तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये तो हर तरफ से खड़े हो गए हैं। ओह पापा प्यारी, पीकू को नाई के पास ले जाना पड़ेगा, इसे हेयर कट की जरूरत है। हाँ टूकी, हेयर कट। चलो तुम दोनों के आज बाल कटवाने हैं। जल्दी करो पीकू। पापा, अगर नाई अंकल ने मेरे बाल बहुत छोटे काट दिए या कुछ गड़बड़ कर दी तो? ओ हाँ हाँ पीकू, चिंता मत करो, तुम दोनों को सबसे अच्छा हेयर कट देगा बॉबी नाई। हेलो बॉबी। हेलो पापा प्यारी। हेलो पीकू टूकी। अरे पीकू, तुम्हारे बालों को तो तुरंत मदद चाहिए। बॉबी अंकल, ज्यादा नहीं, बस थोड़े छोटे। थोड़ा वोड़ा नहीं पीकू। बॉबी, पीकू और टूकी के बाल बहुत समय से नहीं कटे। हाँ। इनको अच्छा सा समय है, कट दे दो। अब हम इसका क्या करें? हाँ चलो थोड़ा जेल लगाते हैं। मजा आ गया बॉबी, लेकिन ये दोनों ऐसे स्कूल नहीं जा सकते, तुम कुछ और कर सकते हो? थोड़ा रंग डाल सकता हूँ और थोड़े छल्ले। नहीं नहीं, रंग या छल्ले नहीं प्लीज, बस इनके बाल अच्छे से कंघी कर दो और हो गया। अच्छा जी पापा प्यारी, और कुछ? इनके सर पे मालिश कर दूं? बच्चों की नहीं। ओके, तो फिर इनके चेहरे की पॉलिश कर दूं? चेहरे की पॉलिश? कैसे? हाँ हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। चेहरे की पॉलिश में मजा आ गया, अब पे कर दूं? रुकिए रुकिए पापा प्यारी, अभी तो थोड़ा काम बाकी है। देखो फिट करी से ये बैठ गया। फिट करी ने किया कमाल, चमके चेहरे चमके बाल। हुँ। हुँ।
माँ प्यारी, पीकू के स्कूल ने उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो मंगवाई है नए आईडी कार्ड के लिए। अच्छा, फिर तो हमें फोटो स्टूडियो जाना चाहिए। फोटो स्टूडियो? वो क्या है माँ? फोटो? हाँ पीकू टुकी, फोटो स्टूडियो। वहाँ एक फोटोग्राफर होगा जो तुम दोनों की फोटो खींचेगा और उसे प्रिंट करेगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलो। हेलो वुफी जी। वुफ, हेलो हेलो पापा प्यारी। हमें पीकू की एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पीकू की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए स्कूल के आईडी कार्ड के लिए ना? नहीं नहीं, एकदम वैसी नहीं, लेकिन पीकू तुम्हारी अच्छी फोटो आ जाएगी, है ना वूफी जी? बिल्कुल आ जाएगी। चलो स्टूडियो के अंदर चलते हैं। Ready, steady, smile, please. आंखें खोल के स्माइल करो पीकू। पीकू, कैमरे की तरफ देखो प्लीज। उफ, ये धब्बा तो कोई भी बच्चा हो सकता है। चलो पीकू, एक बार फिर से ट्राई करें। पीकू स्माइल करना मत भूलना। नहीं पीकू, शक्लें मत बनाओ, ठीक से स्माइल करो। पापा प्यारी, इतने प्यारे परिवार की एक अच्छी सी जगह में एक फैमिली फोटो तो बनती है, क्यों? फैमिली फोटो? माँ प्यारी, पीकू टूकी, हमें एक अच्छी जगह जाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, क्या आप हमें पहाड़ों पर ले जाएंगे? मुझे हमेशा से बर्फ देखनी थी। क्या चॉइस है माँ प्यारी? मेरे पास बर्फीले पहाड़ों पर जाने की सारी चीजें यही मौजूद हैं। चलो। Ready, steady, बोलो चीज। चीज। खूबसूरत, क्या परफेक्ट स्माइल है सबकी। आखिर पीकू मुस्कुराया, बर्फीले पहाड़ों में मजा आया। यहाँ अच्छी धूप है माँ। और कितनी देर लगेगी पापड़ को सूखने में? पापा पापा।
बस थोड़ी देर और। तुम दोनों यहीं बैठो, देखो कोई चिड़िया इन्हें खाने ना पाए। ओके माँ। हमारे पापड़, भागो यहाँ से। भागो, भागो। फिर से आ गई, भागो। माँ, ये चिड़िया तो बार बार आ रही हैं। चलो इनको भगाने के लिए हम एक बिजूका बनाते हैं। वो क्या होता है? अरे बिजूका यानी कि स्केयरक्रो। चश्मा, क्या आइडिया है टूकी? अब तो ये बिजूका एकदम असली लगता है। बिजूका? माँ प्यारी, बाहर कोई अजनबी खड़ा है। वो पीकू टूकी, आजकल बदमाशों की घर में घुसने की खबरें बहुत आ रही हैं। इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। अरे लेकिन वो तो आवाज नहीं, उसे पता चल जाएगा। ये तो बिजूका है। हाँ वही तो, मैं कब से बताने की कोशिश कर रही थी। बिजूका बन गया इतना चोखा, पापा भी देखो खा गए धोखा। चलो चलो अब जल्दी से टेंट लगाते हैं। हम्म।
ये रही हमारे टेंट की चादर। चलो पापा प्यारी, अब टेंट लगाते हैं। मैं भी टेंट लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों भी हमारी मदद करना, लेकिन जल्दबाजी नहीं, ओके? चलो पीकुटू की, अब नीचे से चादर को फैलाओ। शाबाश। पीकू टोकी, अब इसे ऐसे ही पकड़ के रखो, मैं और माँ प्यारी नीचे रखने के लिए थोड़े पत्थर लेकर आते हैं। टोकी, तो टेंट को खींच रही है क्या? ये तो गिलहरी खींच रही है। शू शू, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है, तुम टेंट नहीं छोड़ोगी। शू 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 शू। यहाँ तो खींचतानी चल रही है। लगता है इस गिलहरी को भी एक टेंट चाहिए। हाँ हाँ, इसके लिए एक अलग टेंट बना देते हैं, तभी ये हमारा टेंट छोड़ेगी। ओह, इसे छोटू टेंट पसंद नहीं आया। छोटू टेंट। बड़े टेंट में बैठे प्यारी, छोटे में परिवार गिलहरी।